व्हाट्सअप गाइज। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से, तो जो भी वह इस वाले वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की कमाल की फोटो को एडिट कर लेगा। और 110% मैं आप लोग को ऐसा फोटो एडिट करना सिखा दूंगा, बस वीडियो को कम्प्लीट आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और इसकी शेयर के आइकन पर टैप करके इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पर टैप करके फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। और गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करेंगे। सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 100% मैं एडिटिंग सिखा दूंगा। तो सबसे पहले साइड में एडिट वाले ऑप्शंस पे टैप करेंगे और टैप कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कलर्स वाले आइकन पे टैप करेंगे। करने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू प्लस साइड में 15% कर लीजिएगा, वाइब्रेंस की वैल्यू प्लस साइड में 39% कर लीजिएगा, देन इसकी टिंट की वैल्यू प्लस साइड में 4% और इसकी टेम्प की वैल्यू माइनस साइड में 2% कर लीजिएगा। और इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पर टैप करना होगा। और टैप कर लेने के बाद सबसे पहले यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू प्लस साइड में 100% कर देंगे, ह्यू की वैल्यू माइनस साइड में यहाँ पे 49% कर देंगे। और इतना सारा काम कर लेने के बाद ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू प्लस साइड में 100% करना होगा, लुमिनस की वैल्यू भी प्लस साइड में 72% कर दीजिएगा, इसकी ह्यू की वैल्यू ना क्या कीजिएगा प्लस साइड में इंक्रीज करके 49% और इसकी लुमिनस की वैल्यू 72% कर लीजिएगा। और इतना सारा काम कर लेने के बाद यहाँ से येलो कलर को लेना होगा और इसकी ह्यू की वैल्यू ना पूरा प्लस साइड में 100% कर दीजिएगा, सैचुरेशन की वैल्यू माइनस साइड में 100% करना होगा। और सिंपल से ऑरेंज कलर को लेके इसकी जो सैचुरेशन होता है इसे कम करके माइनस साइड में 17%, ह्यू की वैल्यू माइनस साइड में 10% कर लीजिएगा, लुमिनस की वैल्यू प्लस साइड में 21% करके और डन वाले आइकन पे आप लोग टैप कर दीजिएगा। टैप कर लेने के बाद मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे जाना होगा और ऐसे स्क्रॉल करके साइड में यहाँ पे आप लोग को हाईलाइट वाले सेक्शन में आके स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू प्लस साइड में 75% करके, वैलेंस की वैल्यू यहाँ पे 27% करके अपने फिंगर से पकड़ के ऐसे साइड में स्क्रॉल के ना स्क्रॉल करके थोड़ा सा ब्लू साइड में कीजिएगा। यहाँ पे इसकी ह्यू की वैल्यू 221 रख लीजिएगा 11 और सिचुएशन को 23% रख के और डन वाले आइकन पे आप लोग टैप कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आप लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेप को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं तो कभी आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आप लोग को लाइट वाले आइकन पे टैप करना होगा, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू प्लस साइड में यहाँ पे 24% करके पूरा नीचे आके इसकी ब्लेड्स की वैल्यू माइनस साइड में 25% कर लीजिएगा। और सिंपली गाइस, इसके बाद आप लोग का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप के बिना आप फोटो को एचडी में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सिंपली आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके इफेक्ट वाले आइकन पे टैप करना होगा और सबसे पहले इसकी टेक्सचर की वैल्यू प्लस साइड में 10% करेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू माइनस साइड में 10%, रियाइस की वैल्यू प्लस साइड में 10% कर देंगे। और इतना सारा काम कर लेने के बाद विग्नेट वाले में आएंगे और इसकी अमाउंट की वैल्यू माइनस साइड में इसे हम लोग 24% कर देंगे। और सिंपली गाइस, जैसे ही आप लोग ये तीनों स्टेप कीजिएगा तो आल्ट वाले की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक काम यहाँ पे और हम लोग का बाकी है कि फेस को कैसे हम लोग स्मूथ करेंगे। तो फेस को स्मूथ करने के लिए नीचे साइड में डिटेल्स के आइकन पे टैप करके शार्पनिंग वाले में आके इसकी अमाउंट की वैल्यू प्लस साइड में 28% करेंगे, मास्किंग की वैल्यू 38% कर देंगे, देन इसके बगल में नॉइज वाले में आके इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 27%, देन इसके बगल में कलर नॉइज में आके इसकी कलर नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 24% करके स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो आल्ट वाला आपकी पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे टैप करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।